Hey y'all, come look at this. रुको जरा, सबर करो। कच्चा बादाम गाना गाकर वायरल हुए सिंगर भुवन अब मुश्किल में फंस गए हैं। जिस गाने से उन्हें इतनी शोहरत मिली, अब उसी गाने को वो गा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे इस गाने के साथ वो वीडियो या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उन्हें तुरंत कॉपीराइट भेजकर रोक दिया जाता है। दरअसल इस गाने पर कॉपीराइट से परेशान हो गए हैं, इसके चलते उन्हें अब शो नहीं मिल पा रही है और कुछ कमाई भी नहीं हो रही है। इधर आपको बता दें कि भुवन पिछले साल तब चर्चा में आए थे जब उनका मूंगफली बेचते हुए एक वीडियो सामने आया था। लोगों को ये क्लिप बहुत पसंद आई थी और भुवन रातों रात स्टार बन गए थे। लोग उनके गानों पर खूब रील्स बना रहे थे। एक साधारण व्यक्ति हो या सेलिब्रिटी, सभी इस गाने पर रील्स बना रहे थे। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि गोपाल नाम के एक शख्स ने उन्हें 3 लाख रुपये देकर कहा था कि वो अपने YouTube चैनल पर इस गाने को चलाएंगे, इसके लिए उन्हें ये पैसे दिए। भुवन का आरोप है कि अब जब भी कहीं वो इस गाने को गाते हैं और उसे पोस्ट करते ही कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। भुवन का कहना है कि ऐसा करने की वजह पूछने पर वो शख्स कहता है कि मैंने कॉपीराइट खरीद लिया है। भुवन ने बताया कि उस शख्स ने पैसे देते समय कुछ कागजात पर भी साइन करवाए थे। मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ, मुझे तो यह सब पता नहीं था और इसी के चलते मेरा फायदा उठाया गया है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इस गाने के बाद भुवन को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी और रातों रात वो मशहूर हो गए थे। उन्हें खूब शो मिले, जमकर कमाई भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने गांव में घर बनवाने की सोची थी, लेकिन अब मौजूदा हालात फिर से बिगड़ने लगी है। उनके घर निर्माण का कागजात रुक गया है। भुवन को अब चिंता सता रही कि अगर कॉपीराइट का ये मामला ऐसे ही रह गया तो आगे उनका घर कैसे चलेगा, उन्हें फिर रोजी रोटी का संकट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल कामकाज नहीं मिल रहा है, अब शो में मैं वो गाना तो नहीं गा पाता, छोटा मोटा काम करते महीनों का गुजारा कर लेता हूँ और उसी से फिलहाल जीवन चला रहे हैं। इधर जानकारी के मुताबिक गोपाल नाम के उस शख्स के खिलाफ अदालत में केस किया गया है। दुबराजपुर थाने के ऑफिसर इंचार्ज का कहना है कि भुवन को एग्रीमेंट के कागजात लेकर कई बार थाने बुलाया गया है पर वह नहीं आए। अगर वो आते हैं, शिकायत होती है तो फिर जांच शुरू हो जाएगी। काचा बादाम फेम भुवन बडेकर की इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। ऐसे अपडेट के देखते रहे फिल्मी संवाद।